लोग बैठे क्या सत्संग में आए हो क्या? 50 बना गए इसी माँ के। हाँ पा इसी माँ, काली माँ का रूप धारण कर लिया उसने। एक बार और फोन नहीं उठाए ना तो मार डालेगी मुझे यार। तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आज के दिन। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। आप कौन? आई शायद रूमी की खबर। हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर, बस मैं देखने आया था कि मेरे ड्रिंक का क्या जादू हुआ है। पता है ये ड्रिंक मैंने इन्वेंट किया है और इससे पी करके आपकी बॉडी नम हो जाती है, फिर आपके शरीर में कोई सुई भी घुसेड़े तो बिल्कुल असर नहीं होता और आपको एक्स्ट्रा किक मिलती है जिससे आप वो करते हो जो आज तक आपने कभी नहीं किया। अच्छा। पर सर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। क्या? आप अक्सर भूल जाते हो कि आपने क्या क्या किया था। हमारी भी खासियत, हम आपको एक ऐसी चीज देंगे जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। पूछो क्या? क्या सर? काम के तेरे चक्कर में मेरा भाई, तेरे चक्कर में मेरा भाई, तेरे चक्कर में मेरा भाई नहीं, मेरा साले तारा इसी का क्या था रहता। चुप नाउ आई एम वेरी सॉरी पापा, सब कुछ समझ में आ गया मेरी। इसी आदमी के ड्रिंक के कारण आप टैटू करवाने के लिए चले गए और आपको सुई का दर्द तक नहीं हुआ और मैं जाकर अपना दांत कटवाया। एक मिनट एक मिनट, उसने क्या बोला? ये पीने के बाद आप कुछ ऐसा करते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं करने। तो कहीं ये गधा रोमी अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलते नहीं चलेगा फिल्मों में देख के? हो सकता है। और रमन एक काम करते हैं, जहां जहां रोमी जा सकता है ना वहां चल के ढूंढते हैं। चलो पापा कपड़े पहनो। यार कुछ समझ में नहीं आता यार, पता नहीं लोग इतनी क्यों पी लेते जब उन्हें सहन ही नहीं होती। अब एक गेस्ट ने इतनी पी रखी है कि सोना हुआ 10-12 घंटे से पड़ा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी रेड है, पता नहीं क्यों उसे कुछ महसूस ही नहीं होता, जैसे उसकी बॉडी नम पड़ गई हो। बड़े लोग भी ना बॉडी नम पड़ गई है किसी की। आप इन्हें जानते हैं? हाँ मेरा भाई है ये। आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था ना, ये सोना में जाके बैठ गए। आपको पता होना चाहिए कि सोना में ज्यादा देर बैठना कितना डेंजरस है। हाँ सॉरी डॉक्टर, गलती हो गई। अरे अच्छा अभिषेक उठा, भागो इसे, हट रहा। ओए ओए बेवकूफ, आराम से आराम से। ओए ओए बैठ जा पुत्र, एक मिनट। हाँ बैठ जा, ठीक है ना? हाँ यार मैं यहाँ कैसे पहुंच गया यार? मैं तो रात को, मेरे को ठंड लग रही थी और फिर मैं यहाँ कैसे आ गया यार? अरे किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा रोमी, तू चल यार। रोमी समझ तो मुझे भी नहीं आया कि मेरा चुप, चश्मा निकल लेते इसको। थैंकफुली ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें रैशेस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इन्हें ठंडे पानी में जरूर नहलाइएगा। ओके थैंक यू डॉक्टर। हेलो, अरे रगड़ उसको। हाँ मास्टर जी, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ, ये हमारी वो शादी के सारे कपड़े रेडी, हम बस मैं लेने आ रहा हूँ। तंदूरी दूल्हा, लाल देखो मुर्गा, इसको पोछो पोछो सर। बदतमीजी बताओ, तुम्हारे लुक में शुरू हो गए, हद होती है। मम्मी जी, रोमी अभी तक नहीं आया ना, सिर्फ तुम्हारा रोमी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं आया अभी तक। वेरी रिस्पॉन्सिबल। अरे अप्पा क्या कर रहे हो आप? पहन रहा हूँ ना। अरे क्या कर रहे, बटन बंद करना अपने यार, नंगा जाएगा अपनी शादी में। पेंसिल क्रीम में 10 मिनट की बात है सर। अरे सबसे पहले अपना मुंह बंद कर, तो तेरा दांत देख तो फिर। वाओ सारिका, तुम कितना फ्रिची लग रहा है। इशिता, दुल्हन तो इधर है पर दूल्हा कहाँ है वो तो दिख ही नहीं रहा है।
आ रहे हैं जी, आ रहे हैं रास्ते में जी। हाथ से बैठो बैठो बैठो, आओ जी, आ जाओ आ जाओ। आंदे जरा इन मर्दा नू चंगी तरह कुट लगाऊंगी मैं। छोड़ना ही आज तो मम्मी जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तो बाला की भी खैर नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? गुड, आप कैसे हो? क्या बात है इशिता, हमारा हीरो रमन दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गायब है? कोई स्पेशल एंट्री है क्या? वाला आंटी, अगर एंट्री मेरी हो तो स्पेशल ही होगी ना। और हीरो तो क्लाइमैक्स में ही आते हैं। लीजिए, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। और बाकी के कहाँ है? वैसे अकेला नहीं आया हूँ, आप सबके बैलों और पतियों को भी साथ लाया हूँ। देखो आए, बाकी बाराती भी हैं। अल्लाह जी, माधवी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई। अच्छा हुआ, वरना मेरी तो बैंड बजा देती वो। शुक्रिया, सब एंजॉय करने आए। आइए ना आप लोग भी अंदर आके एंजॉय कीजिए। कम कम आजा आजा, तेरी शादी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तो ये सब हंस रही हैं, लेकिन ये बॉम्ब बहुत जल्दी फटने वाला है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शक्लें तो देखो, कुछ तो हुआ है, कुछ तो छुपा रहे हैं। इशू अक्का, वंदू अक्का, आई थिंक इट्स टाइम, छोड़ना मत। और सारे का तुम तो रोमी की बैंड अच्छे से बजाना, समझी ना? समझ रही हो ना? डोंट वरी मीकू, इनकी किस्मत बदलने वाली है। अब वक्त आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। Go for it, Akka. आज तो किसी की खैर नहीं। चीजू तो गए। एनकाउंटर कर दो, कर दो। हाँ, केस खोलता हूँ। वो है ना धर्मा जी, धर्मा जी आए। अच्छा